लद्दाख में हादसा, कारगिल में पहाड़ी ढलान पर बनी 3 मंजिल इमारत ढही, कई लोग घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27, मैं हूं आपके साथ सुप्रीति सलाथिया। लद्दाख के कारगिल में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हुआ है, पहाड़ी की ढलान पर बनी 3 मंजिल इमारत ढह गई। इस हादसे में 10 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है, हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लद्दाख के कारगिल के कबड्डी नाला में तड़के 3:45 पर एक इमारत ढह गई, चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल कारगिल में भर्ती कराया गया है। इमारत ढहने की खबर मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि इमारत ढहने के बाद आसपास के घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि इमारत ढहने की सूचना मिलने के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में पुलिस और सेना के जवान और स्थानीय सभ्य सेवक शामिल थे। उन्होंने बताया कि घायलों में कारगिल के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहेब सुसे ने कहा कि हमने घटना को गंभीरता से लिया है और घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जिले के असुरक्षित क्षेत्रों में संरचनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि समिति भवन विनियम कानून में किसी भी उल्लंघन की भी जांच करेगी और दोषियों की पहचान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 20.27।